हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम में एस अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि तो यहाँ पे आपको बी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है बी मैथ्स और फिजिक्स रिलेटेड वन बाय वन सारे टॉपिक हमने आप अपलोड कर रखे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में में बात करने वाले हम पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उससे रिलेटेड टॉपिक आता हमारे पास में, इमिटर है इमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर अब उससे पहले आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर पता होना चाहिए इसको हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है वीडियो इसका लिंक जो है वो अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं नाउ बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये इमिटर कपल की बात की जाती है तो इमीटर कपल में यहाँ पे आपको इमीटर जो यहाँ पे इमिटर कॉन्फिग्रेशन होता है बेसिकली पे बेस का यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं

एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं इमीटर रेजिस्टेंस लेता हूं तो दोनों के इमीटर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे और इमीटर जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होंगे दोनों के वो भी क्या होंगे कलेक्टर रजिस्टर भी यहाँ पे इक्वल होंगे दीज आर द कलेक्टर रजिस्टेंस आप समझ सकते हैं और ये दोनों जो है वो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे यहाँ पे हमने जो है वो कॉमन बेस का कॉन्फिग्रेशन ले रखा है ये ध्यान रखना बेस को हमने यहाँ पे कॉमन कर रखा बेस टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है नाउ अब इसको कपल्ड करना मतलब यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे एंड यहां पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा आर ई ठीक है ये ई एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा और इनको यहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने एनपीएन यूज किया है।, बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर है, में यूज़ होता है तो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई वी दी गई है और यह बट यहाँ पे जो आपको देखो आउटपुट मिल रहे थे इसका अब इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट मिलेंगे वो आउटपुट हो जाएगा एक तो वी आउटपुट वन और एक हो जाएगा वी आउटपुट टू ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये चीज आपको ध्यान रखना है इसका जो टोटल इस पे टोटल जो इसका वोल्टेज आएगा वी वी आउटपुट उसको हम कह देंगे अब यहाँ पे करंट्स की बात कर लेते हैं तो करंट जो होगा यहाँ पे वीसीसी करंट, करंट कैपेसिटर करंट ये कैपेसिटर सॉरी कलेक्टर करंट नॉट कैपेसिटर करंट कलेक्टर, करंट कलेक्टर करंट कलेक्टर की तरफ जा रहा है ट्रांजिस्टर के सिमिलरली यहाँ से भी जो करंट आएगा उसको भी हम आईसी कहेंगे कैपेसिटर की कलेक्टर की तरफ जा रहा है करंट यहाँ पे जो फ्लो होगा उसको हम कहेंगे आईई करंट दिस इज नोन एज आई करंट अगेन यहां से जो आएगा उसको भी हम कहेंगे आईई करंट इमीटर करंट बेस यहाँ पे ग्राउंड है ठीक है आप इसको ये आर एस वन है ना सोर्स दिखा हुआ है वी वन वी टू दो सोर्सेज लगाए हुए हैं यहाँ पे वोल्टेज है यहाँ पे ये यह वोल्टेज सोर्स दो यहाँ पे लगाए गए हैं ठीक है अब देखो वो क्या रहा है यहाँ पे दोनों ग्राउंड किया था कॉमन यहाँ पे जो है दो वोल्टेज इनपुट सोर्सेज यहाँ पे लगाए जाते हैं इसके अंदर बेस जो होता है इनपुट होता है यहाँ से तो कलेक्ट यहाँ पे आई बी आई बी जो होता है इनपुट होता है क्योंकि यहां से हम दो इनपुट सोर्स वी वन वी टू इसको दे रहा है क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो इनपुट दिए जाते हैं और एक आपको आउटपुट वी ओ मिलता है ठीक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका अब यहाँ पे हमने यही सारी चीजें लिखी है कि इस फिगर के अंदर जो है वो इनपुट कपल को दर्शाया गया है Q1 Q2 कनेक्टेड है पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया V1 V2 इसके अंदर अप्लाइड बेस ऑफ ना बेस से अप्लाइड किए हमने यहाँ पे देखो ये बेस की बेस के थ्रू इसके अंदर जा रहे हैं बेस पे अप्लाई किए हैं इनपुट सिग्नल टू क्यू वन क्यू टू के हैं ठीक है एंड द आउटपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज टेकन इज द डिफरेंस डिफरेंस लिया जाता है दोनों कलेक्टर्स का ठीक है कलेक्टर से रिलेटेड कलेक्टर का वापस क्या लिया जाता है यहां पे डिफरेंस लिया जाता है बेस से हम इनपुट देते हैं कॉमन उसके अंदर क्या होता है इमीटर इमीटर को कपल किया गया है और यहां पे जो जो कलेक्टर है इमीटर को कपल कर देंगे कलेक्टर पे आपको उसका आउटपुट मिलेगा बेस से सिग्नल दे रहे हैं देखो ध्यान से समझो बेस से हमने इनपुट दे दिया कलेक्टर पे आपको एक आउटपुट मिल जाएगा इमीटर को दोनों में क्या कर दिया हमने कॉमन कर दिया ये पूरा इसका प्रोसेस होता है बिल्कुल इजीली आप इसे समझ सकते हैं नाव आगे बढ़ते हैं अब इसमें करना क्या होता है यहां पे हम बात करते हैं कि द डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ द इनपुट सिग्नल जो आपको दोनों आप दोनों वीवन वी टू इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करते हैं इट मीनस आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो हमें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर

जो सप्लाई आ रही VCC इसके अंदर से ही करंट ये वाले जो करंट IC करंट है यही उसके अंदर प्रेजेंट होगी तो जब ये प्रेजेंट होगी ना तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है हम इसमें लगाएंगे KVL KVL कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से समझना यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ वापस एक बार आप समझ लीजिएगा वैसे चलो इसी में समझ लेते हैं KVL हम यहां पे इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे देखो आप यहां पे समझो ये VCC है यहां से ये रेजिस्टेंस लगा है यहां पे ये आगे जाके वोल्टेज मिल रहा है इधर ये वी ओ वोल्टेज है इधर यहाँ पे करंट आ रहा है दैट इज ये रेजिस्टेंस RC 1 हो जाएगा और यहां से वी सी सी हो जाएगा तो मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन में केवीएल लगाना है तो उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा वी वन यहाँ पे ये क्या है वी आउटपुट वन है बेसिकली तो क्या हो जाएगा वी आउटपुट वन इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आईसीआरसी हो जाएगा प्लस माइनस बेसिकली उल्टा चल रहा है ना तो ये हो जाएगा माइनस आईसीआरसी अब हमने आई दोनों देखो ये इक्वल है ना तो हमने इसको सिंपल आर सी कंसिडर कर लिया क्योंकि जब इक्वल है ना तो यहां से वन को हटा देंगे और तो इसमें भी टू को हटा देंगे क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ यहाँ पे इक्वल है ठीक है और इसको भी हम इक्विवेलेंट आर ई ले लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है यहाँ पे अब देखो सेम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास में जब हमको पता है कि जब बात करते हैं हम यहाँ पे वन वन तो जीरो है क्योंकि ये हमने दे ली वन वी टू दोनों जीरो है एंड बेस करंट अब यहाँ पे है ही नहीं वीवन जीरो इनपुट के अंदर से कुछ जा ही नहीं रहा है इनपुट से अंदर से कुछ नहीं जा रहा तो बेस करंट जो होगा वो यहां से जब इसके अंदर जाएगा बेस करंट जीरो बेस करंट जीरो है इसका मतलब हमारे पास में ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है कि आई ई इज इक्वल टू आईसी प्लस आई बी होता है बेस करंट यहाँ पे जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया आई ई इज इक्वल टू आई सी तो आप इस आई सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं आई ई पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा वी जीरो वन इज इक्वल टू वी सी माइनस ये हो जाएगा IE ई इन टू आर सी दिस इज इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली अब हम के लगाएंगे इस डायरेक्शन में इसका सेकेंड वाला जो पोर्शन है उसके लिए के अप्लाई करेंगे तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा इसका फाइंड करके भी लिख सकते हैं क्या आ जाएगा इसका आंसर V आउटपुट यहां से क्या हो जाएगा वी जीरो टू इज इक्वल टू वी सी सी माइनस यहां से आ जाएगा आरसी माइनस आई सी अब अगेन यहां पे क्या हो रहा है वी टू जो है वो जीरो है इसका मतलब बेस करंट यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है और क्या हो जाएगा आईई इज इक्वल टू आईसी सिंपल आप कर सकते हो यहाँ पे ये यह हो जाएगा वी आउटपुट टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी जीरो टू इज इक्वल टू वी सी सी माइनस यहां से आईसी जो है ना आईसी बेसिकली आईई uh, में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आईई इंटू आर सी इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर टू ये हमारे पास में दोनों वोल्टेज आ गए अब इस वोल्टेज का डिफरेंस तो निकालना था वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जब हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर मैं वी आउटपुट की बात करता हूँ वी आउटपुट इज बेसिकली इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी वन माइनस वी आउटपुट टू तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये दोनों सेम है आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर एंड क्या लिख देंगे तो इनपुट तो तो में, में कुछ नहीं देने पर उस कंडीशन में इन दिस केस आउटपुट इज देन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज सेड टू बी बैलेंस्ड इस टाइप के एम्पलीफायर को हम यहाँ पे बैलेंस्ड एम्पलीफायर कहते हैं अगर यहाँ पे टू इज इक्वल्स टू जीरो होता एंड वी टू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी कि सॉरी वी आउटपुट अगर आउटपुट आपको जीरो नहीं मिलता तो अपन उसको कहते हैं यहां पे अनबैलेंस जो ये आउटपुट है अगर ये जीरो नहीं मिलता अनबैलेंस्ड होता अब को आपको बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि जब भी प्रैक्टिकली बात किया जाता तो वहां पे अनबैलेंसड के बारे में काम नहीं किया जा सकता है तो क्या होता द अनबैलेंस्ड अनबैलेंसिंग ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर अकर्स बोथ ऑफ द ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी सेम अब देखो ये प्रैक्टिकल में होता है यहाँ पे क्यूबन क्यू टू हमने इक्वल ले रखे थे तो उसमें आर आर सी जो कैपेसिटर्स जो थे ना वो सारे इक्वल हो गए थे क्योंकि ये देखो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सारे पैरामीटर इधर से ये कई रजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस इक्वल हो गया ठीक है सारे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आई जो है वो यहाँ पे कॉमन हो गया बट अगर दोनों ट्रांजिस्टर ही सेम नहीं होंगे क्योंकि पे इक्वल किया है तो बट प्रैक्टिकल में अगर ट्रांजिस्टर ही सेम नहीं होंगे तो वहां पे ये जो होगा वी आउटपुट आपको जीरो नहीं मिलेगा जब हम बेस करंट को यहाँ पे जीरो देंगे वहां पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता रहेगा जब हम सिग्नल ही नहीं दे रहे तो फिर भी आउटपुट मिलता है इसका मतलब अनबैलेंसड हो गया तो क्या हो जाएगा हेन्स देयर इमीटर करंट विल बी आल्सो नॉट बी सेम ड्यू टू दिस तो यहाँ पे दिस इक्वेशन फॉर आउटपुट उटपुट अब जब यहाँ पे अनबैलेंस्ड है अनबैलेंस तो की कंडीशन में वी जीरो वन इज इक्वल टू वी सीसी माइनस जहां हम आर ई लिख रहे हैं ना वहां आर ई वन आ जाएगा फॉर वन के लिए देखो तो हम यहाँ पे आर ई लिख रहे हैं ना तो ये आर ई फॉर वन अभी हमने दोनों को इक्वल लिया था अब दोनों ट्रांजिस्टर इक्वल नहीं है यानी कि यहाँ पे क्यू वन डज नॉट इक्वल टू क्यू टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ई वन डज नॉट इक्वल टू आर ई टू इज डॉट इक्वल टू आर ई इट मीन इसकी जगह आर ई वन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर सी सॉरी आर नहीं होगा हाँ आर ई e होगा ओके आर ई e एंड रजिस्टर इमीटर का ठीक है आर ऐसे, आ, ऐसे आ, ओके करंट देखो रजिस्टर भी सेम नहीं है तो करंट भी सेम नहीं होगा यहाँ पे आई ई e करंट जो है ना यहाँ पे अगर हम बात करें आई ई e करंट के बारे में आई ई e करंट जो है ना वो यहाँ पे सेम नहीं होगा तो ये हो जाएगा आई ई वन RC दोनों में सेम रहेगा आरसी से कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा वी टू जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा VCC हो आईई टू तो इसका जो करंट है वो ये हो जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर नाउ अब बात करते हैं यहां पे जब हमें बात करना है इसके वोल्टेज अब अगर मैं इससे डिफरेंस निकालूंगा ना अब यहां पे वोल्टेज जीरो नहीं मिलेगा अब यहाँ पे वोल्टेज जीरो दिस नॉट इक्व टू जीरो और इसको अपन कहते हैं अनबैलेंसिंग सर्किट अनबैलेंसिंग एम्पलीफायर तो हमें ऐसे हटाना है प्रैक्टिकल के अंदर तो क्या करेंगे देखो देर फोर इन प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर अनबैलेंस्ड इन इन अकर्स ऑलवेज ड्यू टू डिफरेंट

Word, यहां पे हमने आर लगाया तो क्या होगा वी वन इज इक्वी टूज यहाँ पे हमारे पास में है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ ट्रांजिस्टर बिकम द सेम अब जब ये यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे तो ये दोनों जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे तो वी रजिस्टर सेम होने से हमको जो है वो आउटपुट जो है वो सेम मिल जाएगा और आउटपुट जब सेम मिलेगा तो वी ओ तो क्या है वी जीरो वन माइनस वी जीरो टू दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको वी आउटपुट क्या मिलेगा जीरो मिल जाएगा और ये किसकी कंडीशन होती है बैलेंस्ड की कंडीशन होती है यहाँ पे आपका एम्पलीफायर बैलेंस्ड हो जाएगा सो दिस इज द आप इसको कैसे रिमूव करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया नेक्स्ट कंडीशन आता अभी हमने लिया था सारा कुछ जीरो है अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वी वन इक्वल्स टू वी टू है वी वन इक्वल्स टू वी टू यानी कि दोनों सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस सिग्नल को इनपुट सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये दोनों सिग्नल बराबर है यहाँ से तो ये आउटपुट कैसा मिलेगा जब भैया दोनों सिग्नल बराबर होता है ना तो भी आउटपुट आपको जीरो मिल रहा है तो भी आउटपुट जीरो मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ यहां पे अगर हम बात करते हैं सिंस बोथ इनपुट सिग्नल आर द सेम एंड बेस करंट ऑफ द बोथ ट्रांजिस्टर इज इक्वल यानी कि यहां पे आई बी वन जो है वो आई बी टू के इक्वल हो जाएगा दोनों की बेस करंट इक्वल हो जाएगी देन द इक्वेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज विल बी ट्रू तो जो हमने यहां पे इक्वेशन लिखी है आउटपुट वोल्टेज के लिए ये वाली यानी कि ये जो है आपके पास में ये इक्वेशन ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे वी आउटपुट जो है वो जीरो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से वी आउटपुट इज इक्वल टू जीरो एंड ये क्या हो जाएगा सिस्टम कैसा हो जाएगा बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पर भी आपको बैलेंस्ड मिल रहा है ठीक है बट बैलेंस जब जीरो होता तब मिलता है ठीक है यहाँ पर बैलेंस मत लिखो बस आउटपुट इसका जीरो आएगा अब अगर ऐसा हो जाए विवन जो है वो बड़ा हो जाए वी वन इज हायर देन ग्रेटर देन तो इस कंडीशन में क्या होगा बेस जो होगा Q1 का बेस करंट ज्यादा हो जाएगा Q2 के बेस करंट से तो कितना ज्यादा है डेल्टा आई ज्यादा है डेल्टा आई ज्यादा ना तो v1 बड़ा है i2 से तो यहाँ पे i1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा i2 से ठीक है जब बेस करंट बढ़ेगा तो इमीटर करंट भी बढ़ेगा ना बिकॉज़ ऑफ दैट इमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट ये तो इससे कोई मतलब नहीं है कौन रहा? एक भी फैक्टर अगर इसमें से बढ़ गया जिसका मतलब आईई का मान बढ़ गया आईई की वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ बड़ा होगा आईई से और कितना बड़ा है अगर मैं आई ई वन की बात करता हूं तो जो टोटल इमीटर करंट है उसमें डेल्टा आईई उसने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फाइव अब दूसरा वाला जो है वो कितना कम है तो कितना क्या हो जाएगा आई ई वन इज इक्वल टू तो टोटल में से डेल्टा आईई अब लेस कर दो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सिक्स नाउ अब हमें यहां पे इन दोनों इक्वेशन से वोल्टेज निकालना है। लाइक like, ये करंट्स uh, की वैल्यू आ गई करंट्स की वैल्यू आ गई तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा वी आउटपुट का वैल्यू क्या होता है वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सीसीसी माइनस आई वन नहीं होते तो इक्वेशन तो कहां से लाइफन ये इक्वेशन थ्री एंड फोर तो क्या लिखेंगे four, हम पे कर देंगे. अब हमारे पास में इसका वैल्यू है तो वी आउटपुट वन पहला वाला जो आउटपुट मिलेगा जो कि नेगेटिव है वो यहाँ पे मिले जो कि आई थिंक देखो यहाँ पे आई थिंक है पॉजिटिव है ठीक है, है तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे वीसी माइनस आई आई कितना है आपके पास में ये हो जाएगा आई ई माइनस सॉरी आई ई प्लस है ना आई ई प्लस डेल्टा आईई इंटू ये हो जाएगा आर सी और यहां से इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर सेवन सिमिलरली वी टू जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा वी सी सी माइनस आई टू इन आर सी हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी सी सी वी ओ टू एंड ये हो जाएगा यहाँ पे वी सी सी माइनस ये क्या हो जाएगा आई ई टू ये आपके पास में वैल्यू है इसका अरे यार ये टू है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आई ई में से क्या हो जाएगा डेल्टा आई ई यहाँ पे लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे आर सी दिस इज इक्वेशन नंबर एट तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ गई अब अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा कितना आएगा डिफरेंस निकालना अगर मुझे यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा एक सेकेंड इनका डिफरेंस निकालना है वी इज इक्वल टू वी जीरो टू हो जाएगा तो वी वन इसमें से आप इसको लेस करेंगे ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आर से दोनों में से कॉमन आ जाएगा ये ये टर्म ये टर्म कैंसिल यहाँ पे डेल्टा एड हो जाएगा तो इनका जितना भी डिफरेंस है वो ट्वाइस हो जाएगा तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगा इसके वी आउटपुट का बेसिकली दिस इज वी आउटपुट तो टोटल तो वी आउटपुट आपको इस कंडीशन में ये मिलेगा अब सेम सेम एज इट इज दूसरे में भी यही मिलेगा अगर मैं यहाँ पे V1 को जो है वो यहाँ पे आ, V1 को छोटा कर देता हूं क्या हो जाएगा अगर V1 आ, छोटा हो जाता है वी V2 बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा सेकंड वाले का बढ़ जाएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो जब हम बात करेंगे इसके अंदर हमने क्या किया था भैया इसके अंदर हमने यहाँ पे एड किया था इसके अंदर आई ई वन के अंदर ऐड किया था अब यहाँ पे इस इसमें ऐड कर देंगे सेम एज इट इज उल्टा हो जाएगा तो क्या करेंगे बाय इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस है Q2 वाला, higher हो, जाएगा, Q1 वाला, ट्रांजिस्टर वाला कम हो जाएगा तो यहां से आगे हो जाएगा यहाँ पे और यार सी नहीं आएगा यहाँ पे टोटल में से डेल्टा आई कम हो जाएगा एंड सेकंड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा एंड हम बात कर रहे हैं अरे एक सेकंड यहाँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर थ्री फोर मत लिखो यहाँ पे सिंपल ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आईई

इक्वेशन नंबर नाउ अब बात करते हैं पे के बारे में तो वो क्या होता है वी सी सी माइनस सेकेंड वाला है आई ई प्लस डेल्टा आई ई इंटू आर सी और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टेन अब जब आप यहाँ से v आउटपुट निकालेंगे वी जीरो वन माइनस वी जीरो टू का मॉड तो ये हो जाएगा वी जीरो वन यहाँ पे माइनस आपको मिलेगा टू डेल्टा आई ई आर सी और वो हो जाएगा प्लस में तो टू डेल्टा आई ई आर सी ए इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा तो ऐसे हम हरेक कंडीशन के लिए इनके आउटपुट निकाल सकते हैं और दिस इज द ऑल अबाउट द इमीटर कपल डिफिशियल एम्पलीफायर जिसमें हम इमीटर को कपल करते हैं सो so, आई होप आप पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा सो थैक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीप वॉचिंग एम एक्स मैथ एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय